रेडियो सीरीज है जयपुर में भयंकर वाली बारिश चल रही है दोस्तों इस टाइम। पहले क्या था अब क्या हो गया। अरे किधर घुसा रहा भाई, क्या दबाएगा नीचे। दोस्तों पता नहीं किस बात का जाम लगा हुआ है। इधर पीछे देखो बैक साइड में इसका स्नॉर्कल। चौमिन एक मिनट पैक करना है ना। दोस्तों तो स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू डेली व्लॉग में। और इस वक्त शाम के लगभग बज रहे 4। मैं अपने काम धंधे से थोड़ा फ्री हो चुका हूँ और अभी अपन चल रहे हैं अपने एक मित्र के पास जिनसे था कुछ काम अपन को। तो अभी चलते हैं और आपको मिलवाते हैं अपने एक और मित्र से। और कुछ काम था उनको, उनको कुछ काम था अपन से। फिर से बत्ती हो गई भाई। तो हमारे मित्र को कुछ काम था हमसे तो हम जा रहे हैं उनके पास किसी काम से। तो बाकी आप लोग बने रहिए और दिखाते हैं आपको आज का दिन। रेडियो से बताते हैं भाई। दोस्तों आज मैं अपना कैमरा और भूल गया लगाना गाड़ी में। कोई ना, मोबाइल से शूट करना पड़ेगा फिलहाल अपन को। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, खतरनाक बारिश वाला। जयपुर में भयंकर वाली बारिश चल रही है दोस्तों इस टाइम। जगह जगह पानी भरे हुए मिलेंगे आपको। बस फिलहाल जहां अपन को जाना है वहां पानी भरा हुआ ना हो उसी में अपनी भलाई है, क्योंकि सुबह बहुत भयंकर बारिश हुई थी और जगह जगह पानी भर गए थे। एक तो दोस्तों जयपुर के रास्तों की ना शक्लें बदल गई है पूरी। जगह जगह इस तरह के फ्लाईओवर्स बना दिए गए हैं ना। पहले क्या था अब क्या हो गया। कोई अनजान अगर शहर के अंदर आएगा ना तो वो तो भाई बिना लोकेशन के तो शहर में घूम ही नहीं सकता, भटकता रह जाएगा बेचारा। अरे किधर घुसा रहा भाई, क्या दबाएगा नीचे। किस बात का जाम लगा हुआ है यहाँ। वैसे जाम लगता नहीं इतना, कई गाड़ियां तो भाई साहब डिवाइडर कूद के दूसरी साइड से निकल गई। क्या बोलते हो अपन भी निकले क्या उधर से। किस बात का जाम है भाई। एक तो साला यहाँ पे अंडरपास हो रहा है, अंडरपास में कहीं पानी वानी तो नहीं भरा ना भाइयों। पानी भरा होगा तो कैसे निकलेंगे अपन। ये देखो भाई किसी की टेबल कुर्सी जा रही है इसके अंदर। सही है भाई, पीछे देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है। भाई ट्रक भी निकाल लिया इधर साइड से, कटता पीछे उसी में डाल लेना चाहिए था अपन को यार। पर हाँ कोई सेंस ही नहीं, वहां पे भी जाके रुकना ही पड़ रहा उनको। देख रहे हो दोस्तों जाम, भयंकर जाम है ये। और पक्का मेरे को यही लग रहा है भाई साहब कि अंडरपास में पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से जाम लग रहा है, क्योंकि गाड़ियां एक एक करके निकल रही होंगी या तो। मैंने गलती कर दी इस रास्ते से आके, मेरे को दूसरे
रास्ते से जाना चाहिए था जिधर अपन को अंडरपास मिलता ही नहीं, पर वो रास्ता अपन ने अवॉइड इसलिए किया था क्योंकि वहाँ से अपन को ट्रैफिक ज़्यादा मिलने का चांस रहता है और इस रोड पे ट्रैफिक कम रहता है क्योंकि रोड भी अच्छी खासी है, चौड़ी है, ट्रैफिक कम ही रहता है। ये जाम के कारण इतना जाम लगा हुआ है। देखते हैं आगे क्या क्या रीज़न है। बने रहो ब्लॉग में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ अपने लेटेस्ट मिनी ब्लॉग्स कह लो या रील्स कह लो इंस्टाग्राम पे आती रहती है रेगुलर्स, तो इंस्टाग्राम पे भी अपन को फॉलो कर लेना दोस्तों, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, सर्च करते ही आ जाएगा अपना नाम डीजे बना। बाकी मैं अभी जाम से निकलता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों अपन अंडरपास के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं यार। दूसरी साइड का अंडरपास तो क्लियर है, वहाँ से तो भाई साहब कोई रुक ही नहीं रहा, कोई जाम ही नहीं लग रहा, कंटिन्यू गाड़ियाँ निकल रही हैं क्योंकि पानी भरता तो भाई दोनों साइड भरता ना, एक ही साइड क्यों भरेगा, फिर क्यों इस जगह जाम लगा रखा है यार, निकालो बे। ऊपर से जा रही भैंस, भाई यहाँ पे है ना, एक तो ये रास्ता रोक रखा है इसने ट्रक ने, ये शायद लगता है कि इधर बंद पड़ गया जिसकी वजह से जाम लगा पड़ा है। एक तो कैमरा और मैं भूल गया आज लगाना। तो दोस्तों ये था मेन रीज़न जाम का, यहाँ पे हो चुका है ट्रक ख़राब और बंद पड़ा है जिसकी वजह से रास्ता आधा रुक गया गाड़ियों को निकलने में, परेशानी हो रही जिसकी वजह से। सोचो सिर्फ एक गाड़ी एक ट्रक के चक्कर में इतना भयंकर जाम लगा हुआ है। तभी मैं सोचूं बारिश तो सुबह हुई थी, इस टाइम तो पानी की भरा हुआ नहीं होना चाहिए। खैर चलो कोई ना, फन किंगडम दिखाएंगे दोस्तों, फन किंगडम भी दिखाएंगे एक दिन आपको। दोस्तों जयपुर का झूलेलाल मार्केट, जिसमें सर्दियों में नेपाली मार्केट लगता है, तिब्बत मार्केट, इसका नाम भी अब झूलेलाल तिब्बतन मार्केट रख दिया गया है। दोस्तों दिख रहा है ना आपको सामने टेम्पो, जिसकी ओनली चेसी चेसी आपको दिख रही होगी, और कमाल की चीज़ इस टेम्पो के अंदर पीछे देखो बैक साइड में इसका स्नॉर्कल, जो कि इसके आगे की जो बॉडी ना उसकी ऊपर की हाइट तक इसका स्नॉर्कल निकला हुआ है, मतलब समझ रहे हो ना आप, अच्छी खासी गाड़ी है भाई साहब। अगर फुल अगर इसको ऑफ रोडिंग में भी ले जाया जाए और क्या कहते हैं पानी में भी डुबो दोगे ना आप, तो भी गाड़ी आपको अटकाएगी नहीं।
एसी गाड़ी पे तो भाई साहब कैंपर वैन का सेटअप हो जाए अच्छा खासा। हेलो दोस्तों, तो अपन फाइनली पहुंच चुके हैं जहां अपन को आना था। अब यहां पे ही अपना दोस्त आने वाला है, तो वेट करते हैं उसके आने का। जब तक क्या किया जाए, ये लो कॉल आ ही गया उसका। मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था कि जितने में उसका कॉल आ गया, मुझे लगा ही था वो जाम में फंसा हुआ है। वो क्या है कि रास्ते में जाम में फंस गया, तो उसको आने में 10-1 मिनट लगेंगे अभी। तो जब तक अपन अपना टाइम पास कर लेते हैं, कुछ गाने वाने बजाते हैं गाड़ी में, और आता है हमारा मित्र, फिर हम आपको मिलवाते हैं उनसे। ओके, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाइयों। क्लाउड देखो दोस्तों, घटाएं छा रही, भयंकर बारिश होने का संकेत है ये। इससे पहले कि बारिश हो मूसलाधार, इससे पहले अपनी मीटिंग पूरी हो जाए वो निकल जाए अपन। आके देखो भाई को कितना टाइम लगता है, 10 मिनट तो हो गए। ये देखो दोस्तों अपना भाई आ गया, शिप लेके आया लौंडा। हेलो दोस्तों, तो अपने मित्र के साथ बोले तो एक काम था, कुछ मीटिंग से आया, मीटिंग के लिए आया था मैं, तो वो अपनी मीटिंग हो चुकी है ख़त्म और यहाँ हो चुकी है बारिश शुरू। शुरू तो क्या वैसे काफ़ी देर से हो रही है, तो अभी अपन चलते हैं अपने घर की तरफ। आज का दिन होता है अपना ख़त्म। वैसे दोस्तों आज दिखाने के लिए कुछ खास था नहीं मेरे पास, बट हाँ नेक्स्ट टाइम। चौमिन 1 प्लेट पैक करना है ना। आपको कितना